हेलो फ्रेंड्स, लाइफ स्टाइल ऑफ हाउस वाइफ में आप सबका स्वागत है। तो ये मेरा बेटा पास्ता बना के लेके आया है। यम यम पास्ता। आज पास्ता बनाया है? यस सर। तो यहीं पे वही मुझे बोल रहे हैं कि मम्मी ये पास्ता को टेस्ट करो। तो हुआ था ऐसा कि ये भाई दूज के दूसरे दिन का शाम का वीडियो है। तो आज दोपहर में कुछ ज़्यादा भूख वूख लगी नहीं थी, तो हम लोगों ने नाश्ता हैवी कर दिया था सुबह में ब्रेकफास्ट। तो अभी शाम को थोड़ी थोड़ी भूख लगी थी, तो बेटे ने पास्ता बना के लेके आया था। ये फिसली पास्ता को बना कर लेके आया था। फिर उसके बाद में उसके दोस्त आ गए थे। तो यहाँ पे उसके दोस्त आ गए थे, तो फरमाइश आई कि आंटी आप जो चीज़ी फ्राइज़ बनाते हो वो बना के दे, हमको चाहिए। और मीठा मीठा नहीं खाएंगे, कुछ भी मीठा बहुत हो चुका है खाकर। तो यहाँ पे मैंने प्रोसेस चीज़ लिया है, यहाँ पे मैंने 4 चम्मच प्रोसेस चीज़ को ग्रेट करके ले लिया है। उसमें मैं ऑरिगेनो का पाउडर डाल रही हूँ और थोड़ा पास्ता पाउडर डाल रही हूँ, जो पिज़्ज़ा पास्ता मिक्स होता है ना वो। और यहाँ पे मैंने इसमें डाला है स्प्रेड चीज़। ये स्प्रेड चीज़ 4 टेबलस्पून भर के स्प्रेड चीज़ भी था। और ये सबको मैंने जो अभी अभी आपने देखा कि मैं एयर फ्रायर में एयर फ्रायर को गर्म होने के लिए रखी थी ना, तो एयर फ्रायर मेरा गर्म हो गया था। बस एयर फ्रायर को बंद करके ये बाउल, जो चीज़ का सारा बाउल है मसाले का, इसको मैं बाउल को बस ऐसे ही इसके अंदर रख दूँगी। तो अंदर पूरा गर्म है ना, तो उसी से ये थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा। तो अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी। जब ये मिक्स हो जाएगा अच्छी तरह से, तो इसको मिक्स करने के बाद में मैं साइड में रख दूँगी इसको। और यकीन मानिए इतना अच्छा ये चीज़ी पास्ता बनता है ना, आप बाहर का भी चीज़ी पास्ता नहीं खाएंगे, घर में इतना अच्छा चीज़ी पास्ता बनता है थोड़ी सी चीज़ों से मिलाकर। बस इसमें आप टोमेटो सॉस मत मिलाइएगा, चाहे तो मेयोनीज मिला सकते हैं, बट टोमेटो सॉस मत मिलाइएगा, क्योंकि ये क्या होता है ना, फिर ये एकदम जम जाता है, कर्डल हो जाता है। और यहाँ पे मैंने फ्राइज साइड में रख दिया था फ्राई होने के लिए, तो फ्राइज़ वगैरह था, कोल्ड ड्रिंक वगैरह था, तो वो सब मैंने उन लोगों को दे दिया था। दिवाली की छुट्टी थी इसीलिए सब बच्चे मिले थे एक जगह पे। ये फ्राई हो चुका है हमारा फ्राइज़, मैंने इसमें नमक डाल के इसको अच्छी तरह से एक मिक्स दे रही हूँ। तो मिक्स करने के बाद में जब ये मिक्स अच्छे से इसको नमक इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगा, क्योंकि ये रेडीमेड फ्राइज था तो मैंने इसके अंदर नमक वगैरह नहीं रहता है ना, तो मैंने इसमें ऊपर से नमक मिक्स करी हूँ। और फिर इसके बाद में जो हमने बाउल में सारा चीज़ को और मसाले को मिक्स किया था, उसको अच्छी तरह से इसके ऊपर स्प्रेड कर दूंगी। और फिर इसके बाद में इसको स्प्रेड करने के बाद में इसके ऊपर मैंने चीज़ ब्लेंड डाला था मैंने, जो 2 चीज़ों का ब्लेंड होता है, एक उसमें होता है मोज़रेला चीज़, दूसरा होता है चेडर चीज़। तो ये दोनों चीज़ का एक ब्लेंड होता है, जिससे आपका वो थ्रेड वाला चीज़ निकलता है ना, जो थ्रेड होता है। तो देखिए अभी इसको मैं इसके ऊपर से अच्छी तरह से लगा दूँगी। बच्चे थे इसीलिए मैंने भर भर के चीज़ इसके अंदर डाला है, क्योंकि पूरा चीज़ तो मिक्स नहीं किया मैंने, सारा चीज़ ऊपर ही है, इसको वो लोग अपने हिसाब से मिक्स करके खा लेंगे। अब जब दोनों चीज़ मैंने इसके ऊपर डाल दिया है, फिर इसके ऊपर मैं फिर से थोड़ा सा ऑरेगानो यहाँ पे छिड़क रही हूँ, और वही पिज़्ज़ा पास्ता मिक्स जो होता है ना पाउडर, वो मैं मिक्स कर रही हूँ। अब मैं इसको रख दूँगी हमारे जो एयर फ्रायर है, एयर फ्रायर के अंदर रख दूँगी इसको थोड़ा सा बेक होने के लिए या फिर मेल्ट करने के लिए। और यहाँ पे देखिए मेरा एयर फ्रायर प्रीहीट था, तो उसको मैंने पिज़्ज़ा मोड पे रखा है 160 पे, 12 मिनट के लिए रखा था, बट मैं 6 मिनट में खोल के देख रही हूँ। और देखिए 6 मिनट में ये एकदम अच्छा एकदम तैयार हो चुका है, ये एकदम चीज़ वगैरह पूरा मेल्ट भी हो गया है और ऊपर से अच्छे से रेडनेस भी आ गई है। तो बस अब मैं इसको एयर फ्रायर को बंद कर दूँगी, बंद करने के बाद में मैं बच्चों को दे दूँगी निकाल के सर्व करके। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा बना है ये। यकीन मानिए आप ना, इसको खाने के बाद में आपका जो भी बाहर से आप लोग लाते हैं फ्रेंच फ्राई या कुछ भी, आप इसको बिल्कुल लाना छोड़ देंगे, बंद कर देंगे बिल्कुल भी लाना। और अगर घर के अंदर बनाना है आपको, तो बस एक बड़ी सी बड़ा सा एक भगोना ले लीजिए, उसके अंदर ऐसे ही जैसे मैंने सब कुछ मिक्स किया है, मिक्स करके
इसको उसके अंदर रख दीजिए और गैस को स्लो कर दीजिए थोड़ा देर के बाद में। ये बस जो ऊपर की रेडनेस है ये नहीं आएगी, बट आपका चीज़ पूरा अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा और टेस्टी हो जाएगा। तो यहीं तक का था मेरा ये वीडियो। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।